हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स चल रही है। तो हम सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त। एस ऑफ स्पेड, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। फोर ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ हार्ट, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ डायमंड, सेवन ऑफ डायमंड और यहाँ पर है नाइन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपके पर्सन सारे साइन के ही, यहाँ पर ऑल साइन रीडिंग है ये। फिर भी जो यहाँ साइन आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस और एरीस, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा वरीड हैं, किसी डिसीशन लेना चाहते हैं। कोई डिसीशन उन्होंने पास्ट में लिया है उसको लेके सोच रहे हैं, या फिर अभी आपके पर्सन कोई डिसीशन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, या बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड हैं, इस तरीके के आपके पर्सन हैं। ये पर्सन जो है, यहाँ फोर ऑफ क्लब्स भी आया है, तो ये आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, या फिर आपको कॉल करके बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, आपसे कंपेटिबिलिटी फील करते हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में भी है किसी बात को लेके आपके पर्सन। माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस तरीके से आपके पर्सन के चल रही है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में बहुत सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। पर आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में चाहे जो भी काम है, जो भी लाइफ में जो भी चल रहा है, पर आप हमेशा इस पर्सन के लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत शांति महसूस होती है जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन सोचते नहीं आपके बारे में, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये पर्सन के दिमाग में आप रहते हो। साथ में ये जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इस पर्सन से तक नो कांटेक्ट में हो और आप दोनों का कनेक्शन पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, तो ये पर्सन आपसे एक एनर्जेटिक बॉन्ड फील करते हैं। मतलब कि एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, या फिर इस तरीके से आपके पर्सन आपके लिए फील कर पाते हैं और आप भी समझ जाते हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की इस वक्त की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, टेन ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा लगता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, कोई, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है वो मैसेज का कार्ड होता है, मैसेज ऑफ लव। तो ये पर्सन हो सकता है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है अपने बात रखने में, ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पर है एम्प्रेस। ठीक है, आप इस पर्सन के नज़रों में एम्प्रेस हो, मतलब कि ये पर्सन
आपके साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं। एक जो आप इस पर्सन को जो केयरिंग दिखाते हो, या फिर आप इस पर्सन की जो केयर करते हो, जो एक माँ जैसे केयर करती है, उस तरीके से आपके पर्सन वैसा फील करते हैं आपके बारे में, कि आपके प्रेजेंस में आपके पर्सन को किसी और की ज़रूरत नहीं है। पर जो भी आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में आते हैं कि ये सारी बातें कैसे बताऊं, कि आप समझोगे भी या नहीं, इस तरीके से सोचते हैं आपके पर्सन। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन अगर आप कुछ बोले तो आप उनका गलत मीनिंग ना ले लो, ठीक है। हो सकता है आप लोग के पीछे पास्ट में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस बात को लेकर। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ कहा हो आपसे और आपने उसका गलत मीनिंग ले लिया, या आपने कुछ कहा हो कि पर्सन ने गलत मीनिंग ले लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, और उनमें से एक बात ये है कि ये आपको कितना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं। और मुझे और एक एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है आपको चाहते तो हैं, पर इनके कुछ फैमिली की तरफ से स्पेशली मदर इश्यूज है, या ऐसे सिचुएशन है, और वो जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा है। ये आपके हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके मदर इन लॉ हो सकती है, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है बीच में। तो जो पहले सिनेरियो की मैं बात कर रही थी, तो ये पर्सन आपको बहुत अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, और उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है, अगर आप दोनों के नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ये पर्सन कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, उनको आपके जैसा कोई दिखा ही नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। और क्या फील कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड, ठीक है। बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और इस वक्त देखिए किंग ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जैसे इमोशनलेस हो गए हैं, दूसरों के लिए इमोशनलेस हो गए हैं, क्योंकि उनमें उन्हें जो आप पे आपके अंदर नज़र आता है वैसा किसी और के लिए है ही नहीं। मतलब आप में जो क्वालिटीज़ है, आप में जो खूबसूरती है, वो किसी और में हो ही नहीं सकती है, और ये पर्सन ने हमेशा से आप ही को अपने लाइफ में ये पर्सन चाहते थे, पर किसी प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, और आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई, और जिसकी वजह से ये पर्सन उस बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है, ज़्यादा अपने माइंड से सोच माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जो दिल में फीलिंग्स है, दिल इनका जो है बाहर से कोकोनट जैसा है, जैसे अंदर से बहुत सॉफ्ट है, पर बाहर से खुद को बहुत रफ एंड टफ दिखाते हैं। अंदर से इनके दिल में बहुत प्यार है, बाहर की दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है ये पर्सन उसे सह रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मतलब अगर ये पर्सन अपसेट भी हैं, तो ये कभी भी बाहर से इतना शो नहीं करते हैं कि अपसेट हैं, और बहुत ज़्यादा अपने माइंड को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, और हार्ट की ये पर्सन कम सुनते हैं। देखिए, आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही स्वीट सा रिलेशनशिप रहा है, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, और बहुत ही सामंजस्य भरा रिलेशनशिप रहा है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहा है। तो ये पर्सन उस जो आप दोनों के बीच में पल बीता है उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप दोनों ने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप डाउन भी हुआ है, मतलब प्रॉब्लम्स भी आई है, बहुत अच्छे पल भी थे, तो सारे मिक्सचर के बीच में भी आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से रहा है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो ये पर्सन आप उन पुराने जो झंझटों से बाहर निकलना चाहते हैं, और पीस में रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं। तो चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
आई वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को लेके पहले श्योर नहीं थे, उनको लग रहा था कि ये जो आपके लिए फीलिंग्स है वो टेम्पररी है, इस तरीके से लग रहा था आपके पर्सन को। पहले अपने फीलिंग्स को लेके थे अनश्योर थे आपके पर्सन, ठीक है, एक्चुअल में क्या फील करते हैं। आई वॉज हार्ट ब्रोकन वेन यू लेफ्ट। तो आपने जब अपने पर्सन को छोड़ दिया है शायद, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, आप ही बात नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। आई हैड ग्रोन अलॉट सिंस वी सेपरेटेड। आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जब आप उनसे दूर हुए हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा अपने अंदर इस पर्सन ने चेंजेस लाए हैं। आई हैड अलॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज आई नीड टू वर्क ऑन। आपके पर्सन बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं लाइफ में जिसमें आपके पर्सन को काम करना है। आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चूज यू। ठीक है, हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आपको लेके इतने सीरियस नहीं थे, पर धीरे धीरे इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप बिल्कुल अलग हो, और ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे, जितना आप करते हो उससे ज़्यादा करने लगे। ठीक है, तो पहले जब इन्होंने आपको पसंद किया था तो तब वो किसी को अपनी लाइफ में एक ज़रूरत थी, उस वजह से चूज़ किया था, पर धीरे धीरे ये प्यार जो है बहुत आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप आई एम क्रेजी आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर। तो आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन हर जगह फील करते हैं, कभी कभी उनको लगता है वो पागल तो नहीं हो जा रहे हैं, और क्या फील करते हैं। आई एम डाइंग टू सी यू। तो आपको देखने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। आई नो आई गॉट माई कर्मा। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी अभी उनके लाइफ में चल रहा है वो उनके ही किसी कर्म की वजह से हुआ है, जो उन्होंने आपके साथ किया, या ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। तो आपके प्यार और आपके विश्वास से जो है, आपका प्यार आपके एनर्जी से आपके पर्सन का दिल जो है वो हील हो जाएगा। इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, पर आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, पर सच्चा प्यार था। आई हैड मैनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। ठीक है, आपके पर्सन को कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में जैसे मन चाहता है उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं रहा, नहीं मिला, और इस वजह से आपके पर्सन बोलना चाहते हैं आई हैड मैनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा आपके पर्सन को जब से वो आपसे अलग हुए। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।